तो दोस्तों इंस्टाग्राम के लिंक को यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में कैसे ऐड करते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अब जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे बहुत सारे लिंक्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ऐसे बहुत सारे लिंक्स हैं। तो इसको कैसे ऐड करना है चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर लेता हूं मैं। उसके बाद आपको ओपन कर लेना है क्रोम ब्राउजर, न्यू टैब ओपन करके यहां पे YT स्टूडियो सर्च कर लेना है। YT स्टूडियो सर्च करेंगे उसके बाद आपको यहां पे लॉग इन कर लेना है। लेकिन लॉग इन करने से पहले आपको यहां पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है, ऐसा ओपन हो जाएगा आपको। उसके बाद लॉग इन पे क्लिक करना है, लॉग इन पे क्लिक करके क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेना। आपको ध्यान रखना है कि आप YT स्टूडियो एप्लीकेशन में ना ओपन करें क्योंकि उसमें फीचर नहीं होता है। तो आप यहां पे ओपन कर लेंगे तो कुछ लोड होने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहां आप देख सकते हैं, मैं यहां जूम कर लेता हूं थोड़ा सा, और यहां आप देख सकते हैं ये जादू की छड़ी जैसा आपको यहां पे दिख रहा होगा। तो इस पे क्लिक कर लेना है, इसको कस्टमाइजेशन बोलते हैं, कस्टमाइजेशन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद तो आपको यहां पे सीधे बेसिक पे चले जाना है, और उसके बाद यहां पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा। अगर आपने ऐड नहीं किया होगा तो आपको यहां पे देख सकते हैं ऐड लिंक करके ब्लू कलर का दिखाई देगा। तो इस पे पहले आपको क्लिक कर लेना है और आपको लिंक का टाइटल लिखना है, अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी है उसको टाइटल लिखना है। तो मैंने यहां पे इंस्टाग्राम डाला है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ऐसे मैंने फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम लिख दिया है। अब यहां पे URL पूछ, तो URL के लिए क्या करना है आपको, URL पेस्ट करना। तो URL कहां से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर लेता हूं। अब हम इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं। तो इंस्टाग्राम ओपन हो गया है, अभी आप यहां पे देख सकते हैं नीचे आपका फोटो होगा या फिर जो आपका प्रोफाइल होगा वहां पे आपको करना है। उसके बाद आपको यहां पे शेयर प्रोफाइल पे क्लिक करना है, शेयर प्रोफाइल पे यहां पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ऐसा ओपन होगा। यहां पे बारकोड सब दिखेगा आपको और यहां पे लिंक जैसा दिखेगा, तो यहां पे कॉपी लिंक, तो आपको इसको कॉपी कर लेना है। यहां पे आप देख सकते हैं ये कॉपी लिंक है, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। और उसके बाद क्लोज करके हम रिटर्न चले जाएंगे हमारे YT स्टूडियो में। तो हम यहां पे YT स्टूडियो में आ गए, यहां पे आप देख सकते हैं जहां URL का है वहां पे आप अपना जो लिंक आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर, आप ऐसे भी पेस्ट कर सकते हैं, फिर आप चाहे तो यहां पे लॉन्ग प्रेस करके यहां पे पेस्ट आएगा उसको पेस्ट कर सकते। आप देख सकते हैं सिंपली आपका जो है पेस्ट हो गया है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं यूट्यूबर्स के लिए। और इसके बाद मैं एक और तरीका बताने वाला हूं, ये जो आप देख रहे हैं बहुत लंबा लिंक हो गया है तो इससे भी छोटा आप ऊपर देख सकते हैं मैंने इंस्टाग्राम का पेस्ट किया है लेकिन वो छोटा लिंक, तो वैसा आपको पेस्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले मैं इसको बता देता हूं कि इसको हम सेव कैसे करते हैं। अभी आपने ऑलरेडी नेम टाइटल लिख दिया और URL पेस्ट कर दिया, अब हम इसको सेव कर लेते। तो हमें सेव करने के लिए यहां पे आप देख सकते हैं टॉप में पब्लिश का ऑप्शन है, तो यहां पे अगर आप पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो मैं यहां पे पब्लिश पे क्लिक कर लेता हूं। अब यहां पे लोड होने के बाद ऐसा ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं आप मैंने तीन लिंक हो गया यहां पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और एक इंस्टाग्राम का होस्ट, मतलब तीन बार मैंने तीन लिंक ऐड कर दिया। अब हम यहां पे अपने चैनल पे चले जाते हैं, तो मैं व्यू चैनल पे क्लिक करता हूं तो यहां हमारा चैनल ओपन हो गया दोस्तों। अब आप यहां मैं अबाउट सेक्शन पे क्लिक करके दिखा देता हूं आपको, अबाउट सेक्शन पे आप देख सकते हैं यहां पे तीन लिंक ऐड हो गया। और एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं जिससे कि आप इसको कर सकते हैं, तो उसका भी डेमो मैं आपको दिखा देता हूं। तो फिर से हम YT स्टूडियो में चले जाएंगे, मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूं। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद मैं जो ऐड किया है मैंने लिंक वहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे इंस्टाग्राम मैंने इतना बहुत बड़ा लिंक है यहां, तो मैं इसको पहले हटा देता हूं। और अब तो जो URL था उसको मैंने डिलीट कर दिया है। अब हमें फिर से चले जाना है इंस्टाग्राम पे, तो आप यहां पे टॉप में देख सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं हमारा चैनल का नाम, या फिर आप यहां पे शेयर प्रोफाइल पे भी जाके देख सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं @ मेरा चैनल का नाम है ग्रो विथ यूनुस। तो अब हम मैन्युअली उसमें ऐड करने वाले लिंक, तो मैन्युअल ऐड करने के लिए अब आप यहां पे देख सकते हैं, तो यहां पे पहले आपको लिखना है स्मॉल लेटर्स में https। ये तरीका मैं इसीलिए बता रहा हूं अगर आपको कॉपी पेस्ट करना नहीं आता तो आपको कैसे करना, तो https लिख लेना है। उसके बाद आपको यहां पे डबल डॉट जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डबल फॉरवर्ड स्लैश दो बार, उसके बाद हमें www.instagram.com, उसके बाद फिर से फॉरवर्ड स्लैश डालना है। और उसके बाद आप देख सकते आपने जो मैंने इंस्टाग्राम में आपने देखा था आपका नाम क्या है, मतलब आपका जो ID का है @growwithyunus था मैंने मेरा, तो यहाँ पे मैं @ नहीं लिखूंगा, सिर्फ चैनल का नाम लिखूंगा, मतलब YouTube सिर्फ इंस्टाग्राम की ID यहाँ पे डालूंगा। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम की ID क्या है, growwithyunus, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे growwithyunus डाल दिया है। अब हम इसको सेव कर देते हैं, टॉप पे जाएंगे पब्लिश पे पब्लिश कर देंगे, तो ये पब्लिश हो चुका है। मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं गो टू चैनल का ऑप्शन दिया है, यहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली जा सकते हैं। उसके बाद हम अबाउट सेक्शन में चलते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं तीन लिंक हो गया है, तो थर्ड वाला मैंने अभी ऐड किया है, तो ये मैन्युअली ऐड किया है, तो ये ओपन होता है कि नहीं चेक करते। तो मैं थर्ड वाले लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो जो है हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पे आ जाएगा, इंस्टाग्राम के अकाउंट पे आ जाएगा, देख डायरेक्टली इंस्टाग्राम के अकाउंट पे आ गया है। तो यही है दोस्तों, मैंने दो तरीके आपको बता दिए हैं कैसे आप इंस्टाग्राम या फिर ऐसे ही फेसबुक और टेलीग्राम का भी लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं, या तो कॉपी पेस्ट करके या फिर मैन्युअली टाइप करके आप कैसे अपना इंस्टाग्राम का और फेसबुक का लिंक ऐड
ऐड कर सकते हैं। तो जाइए आप भी अपने अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक ऐड कीजिए और अपने चैनल को ग्रो कीजिए, और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए, मतलब सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर, और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।